नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए, कल रेलवे ने एलपी एंड टेक्नीशियन के आपका स्कोर बोर्ड बता दिया था, आपके एक्चुअल मार्क बताए थे, रॉ मार्क बताया था, नॉर्मलाइज स्कोर बताया था। कल मैंने 11:30 बजे रात को आपको बताया था कि आप कैसे अपना चेक कर सकते हैं। लगभग 2 घंटे के अंदर मेरे पास 500 कमेंट आए थे प्रो रेटेड मार्क को लेकर के, और पूछा गया था कितने परसेंट पे हम पास होंगे कि नहीं होंगे। तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, कितने नंबर पे आप पास होंगे, कितना परसेंट रेलवे ने अपने ऑफिशियल नोटिस में लिखा था, और अब आप कितने नंबर पे पास होंगे, और क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, सबके साथ ऐसा हुआ है, 500 ज़्यादा कमेंट आए इसका मतलब कि सबके साथ ऐसा हुआ है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हो, क्या करिए, देखिए वीडियो चल रहा होगा उसके नीचे अगर आप जाकर के देखें, यहाँ पर आप लोग जाकर देखें, यहाँ आपको लाल रंग के सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इसको आपको दबा दीजिए, लाल से काली हो जाएगी, और बगल में लगी बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक हो सकेगा। चलिए चलते हैं अपने नंबर के ऊपर हम लोग। तो देखिए समझते हैं प्रो रेटेड नंबर हमारे कैसे चेक करते हैं आप लोग। देखिए वैलिड क्वेश्चन आपके 74 हैं, उसके थ्रू देखिए आपके नंबर जो आ रहे थे वो 33 नंबर आ रहे थे, मतलब 74 क्वेश्चन में अगर आपके सही क्वेश्चनों की बात करेंगे उसमें से आपके 33 नंबर आ रहे थे 74 क्वेश्चनों से। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे प्रो रेटेड आउट ऑफ 100 लिखा गया, इसका मतलब ये है कि अगर आपके 75 नंबर आ रहे थे 75 क्वेश्चन में से आपके 33 नंबर आ रहे थे, तो आपके 100 क्वेश्चनों में से 34 नंबर आएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, रेलवे को इसको जवाब देना होगा। जब हमारा जब आपके ग्रुप डी का रिजल्ट आया था तो उसने बताया था नॉर्मलाइज हमारा जो तरीका है मार्क देने का वो एक फार्मूले के तहत होता है, लेकिन रेलवे को ये बताना पड़ेगा कि प्रो रेटेड फार्मूला कौन सा है कि आप 75 क्वेश्चन में से किसी के 33.66 नंबर आ रहे हैं और आप 100 में से सिर्फ एक नंबर उसका बढ़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप बात करेंगे 35% पास होने की, तो वहाँ पर ये पास हो रहा था और यहाँ पर वो फेल हो चुका है 100 नंबरों में बात करेंगे। चलिए आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिस में, आपको बताता हूँ कितने नंबर पे आप लोग पास होंगे और कितने नंबर पे आप लोग फेल हो जाएंगे। तो ये आप लोग देख लीजिए, CVT 1 का बताऊंगा और CVT 2 का जो हमारे पार्ट ए पार्ट बी दोनों को बताता हूँ। चलिए आपको ले चलता हूँ मैं। तो ये देखिए हमारा ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था, जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन ये आया होगा, इसमें लिखा गया है CVT 2, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे चरण में आपके जो CVT 2 की परीक्षा होती है, दूसरे चरण की CVT 2 परीक्षा में इसमें का और खा दो भाग होते हैं, मतलब 2 घंटे 30 मिनट में आपको ट्रेड का पेपर भी देना होता और एक नॉर्मल पेपर जो आता है उसको देना होता पार्ट ए वाला। वहाँ पर देखिए पार्ट ए में आपको 40% जनरल को लाना है, 30% OBC को, 30% SC को, अनुसूचित जात को 25% नंबर लाने हैं। ये पार्ट ए में आपके आएंगे नंबर, यही मार्क आपकी फाइनल मेरिट बनाएंगे। आपके साइको के नंबर जोड़े जाएंगे, LP वालों का जो साइको होगा, PCM वालों का साइको नहीं होगा, PCM की डायरेक्ट मेरिट बनेगी, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो यहाँ पर LP वालों क्या होगा, 30% नंबर आपके साइको के जोड़े जाएंगे और 70% नंबर पार्ट ए के आपके जोड़ करके आपकी मेरिट बनेगी। तो यहाँ पर देखिए आपको आरक्षण भी दिया गया था, OBC को 10% कम, उसके बाद दिव्यांगजन को 2% की छूट दी गई थी। ये CVT 2 की जो ए पार्ट का है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलिए बी पार्ट के ऊपर चलते हैं और बी पार्ट में आपको बताते हैं आपको कितने नंबर लाने पर आप लोग बी पार्ट में जो आपका ट्रेड वाला पार्ट है उसके पास भी आप लोग आगे बढ़ेंगे यदि आप पास होंगे तो। यहाँ पर चलिए देखते हैं, ये हमारा खा खंड है, यहाँ पर देख सकते हैं 60 मिनट आपको मिले थे, मतलब 1 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन हल करने थे। क्वालिफाइंग अंक के बाद बात करेंगे तो 35% आपको नंबर चाहिए बी पार्ट में पास होने के लिए, 35% नंबर चाहिए, ये आपके सभी के ऊपर लागू होता है। इसमें OBC जनरल और SC की किसी को छूट नहीं दी गई है। अब अगर बात करते हैं हम लोग 75 क्वेश्चन आपके आए थे, इसका अगर 35% आप लोग निकाल लीजिए, 35% अगर आप निकालेंगे तो 26.25 नंबर आएंगे, मतलब अगर आपके 75 में से 26.25 नंबर आ रहे थे तो आप लोग पास थे, और बहुत से कैंडिडेट पास थे, लगभग 70-80% कैंडिडेट की बात करेंगे तो 26.25 पे पास हो रहे थे। अब अगर हम लोग अगर आउट ऑफ 100 की बात करेंगे तो आउट ऑफ 100 में आपको 35% की बात करेंगे तो आपको 35 नंबर लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 100 में, मतलब 26 में अगर आप 26 से 35 की चर्चा करेंगे तो लगभग आपकी 8 से 9 नंबर की बढ़ोतरी हुई है, मतलब 100 क्वेश्चनों में 9 नंबर की बढ़ोतरी आपको चाहिए। आपके 75 में मान लीजिए आ रहे थे 26, अब आपको 100 में 35 क्वेश्चन सही करने होंगे। तो बहुत से मित्रों को ऐसा हुआ है कि उनके जो 26 नंबर थे मान लीजिए वो उनके 28 नंबर थे और अभी भी प्रो रेटेड मार्क के बाद उनके 26 या 28 नंबर रह गए हैं, मतलब 75 में से पहले 28 सही कर रहे थे, बाद में 100 में से उनके 28 सही गए, पहले वो पास थे लेकिन 75 का जो फार्मूले के बाद प्रो रेटेड मार्क आए हैं उसमें वो फेल हो गए हैं। तो अब ये रेलवे को डिसाइड करना होगा कि आपको किस में से लेना है, प्रो रेटेड मार्क से लेना है या कि आपके रॉ मार्क से आपको पास लेना है। नॉर्मलाइज स्कोर भी आप देख लीजिएगा, वहाँ पर अगर आप 35 नंबर पा रहे हैं नॉर्मलाइज स्कोर के बाद तभी आप पास होंगे और इसके अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। यही हाल हुआ था हमारा LP के टेक्नीशियन का, जो हमारा पहला रिजल्ट आया था ऐसा ही चक्कर हुआ था और रेलवे ने उसके बाद सबको पास कर दिया गया था। तो मुझे लगता है रेलवे को वो फार्मूला बताना चाहिए आपका प्रो रेटेड मार्क वाला, जिस फार्मूले के तहत आपका किया गया है वो फार्मूला भी सबको बताना चाहिए कि कैसे हमारे
43 नंबर पहले पार्ट में थे 43, और बी पार्ट में आपके 43 नंबर थे, उसके बाद 32 नंबर कैसे हो गए प्रो रिटर्न मार्क में। हमारे पास ये भी कमेंट आया था कि 43 थे मेरे पहले और अब 32 नंबर हो गए हैं। तो चलिए कुछ और मार्कशीट आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि आप पास हो पाए नहीं हो। और देखिए इसके बाद जो हमारे एलपी वाले होंगे, यहाँ पर आपको दिया गया है साइको के लिए कम से कम एक बैटरी परीक्षण में आपको 42 अंक प्राप्त करने होंगे, और जो आपकी मेरिट बनेगी वो बनेगी देखिए सीबीटी का के जो आपके जो हैं 70% वेटेज इसका लिया जाएगा, दो तीन चरण के जो ए पार्ट का 70% लिया जाएगा, और आपके जो आपके साइको होगा उसका 30% लिया जाएगा। इन दोनों को मिलाकर के आप मेरिट फाइनल बनेगी। ये एएलपी वालों के लिए है, जो लोग हमारे दे रहे हैं आपके साइको दे रहे हैं उनके लिए है ये, और जो पीसीएम ग्रुप वाले हैं उनको साइको नहीं देना है। आप लोग बार बार पूछ रहे थे पीसीएम ग्रुप को साइको नहीं देना है। आपका रिजल्ट जो आएगा वो 6 तारीख के बाद आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है एलपी का रिजल्ट आपका 6 तारीख को आएगा, 6 अप्रैल को। उसके साइको भी 16 चालू हो रहे हैं, मतलब कि टेक्नीशियन वालों का रिजल्ट बाद में भी आएगा। अभी आपको कम से कम एक महीने इसी तरह से चर्चा पे रहेंगे आप लोग, और आपको को रेलवे से पूछना चाहिए, रेलवे के पोर्टल में जाकर के अपना आप प्रो रेट का फार्मूला बताइए कि हमारे 75 में से भी इतने नंबर आ रहे थे और 100 में से भी इतने नंबर कैसे आ रहे हैं। आपको रेलवे को इसका जवाब देना पड़ेगा और ऑफिशियल करके रेलवे इसका जवाब भी देगा। चलिए कुछ लोगों का नंबर और देखते हैं कि आपके साथ ये सब हुआ कि सबके साथ ऐसा हुआ, चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए एक और हमारे कैंडिडेट हैं, इन्होंने 74 इनके वैलिड क्वेश्चन थे, इसका मतलब इनके एक्चुअल मार्क जो है रॉ मार्क जो है हमारे 30 नंबर आ रहे थे, लेकिन अगर आप आउट ऑफ 100 की बात करेंगे तो 75 में 30 आ रहे थे और 100 में से इनके सिर्फ 31, मतलब कि एक नंबर ही बढ़े हैं। अब तो ये फेल हो गए, अगर इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर ये पास थे और यहाँ पर ये फेल हो चुके हैं, तो रेलवे को इसको जवाब देना पड़ेगा कि आप कहाँ से नंबर ले रहे हैं। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन मार्क जो आपके बढ़ रहे थे उसको भी देख लीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन मार्क 32 है, अभी भी ये फेल है। लगभग 100 में से इनको 35 नंबर चाहिए पास होने के लिए, जो रेलवे ने अपने दो तीन आपने दिखाया था, हमने ऑफिशियल नोटिस वहां पर लिखा गया है, अर्थात ये 32 नंबर फेल हो जाएंगे। सभी को 35 नंबर चाहिए, अगर प्रो रेटेड 100 की बात करेंगे नॉर्मलाइज स्कोर के बाद आपके 35 नंबर आने चाहिए, क्योंकि रेलवे ने जो निकाला है सिस्टम वो 35 नंबर से निकाला, मतलब कि 100 नंबर से निकाला है। यदि रेलवे निकालता 75 में से तो ये स्टूडेंट ज्यादातर स्टूडेंट आपके पास हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि रेलवे बाद में जरूर कर देगा कि आपको रॉ मार्क थ्रू आप पास हो जाएंगे, और आप लोग जो 75% आपको लिया गया है वो 35% लिया गया वो 75 में से लिया जाए, तो अधिकतर स्टूडेंट हमारे पास हो जाएंगे। चलिए और दिखाता हूँ कुछ कैंडिडेटों को आपको। देखिए ए पार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर वैलिड क्वेश्चनों की बात करते हैं, तो 97 थे, उसके थ्रू आपको 46 नंबर मिल रहे थे यहाँ पर देख लीजिए। और प्रो रेटर मार्क की बात करेंगे, इसमें अगर ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये 100 में से भी 46 नंबर आपके आ रहे थे, ये आपके 97 से 46 नंबर आ रहे थे और 100 में से 48 नंबर आ रहे हैं, तो इसकी चर्चा नहीं है, ए पार्ट की ज़्यादा चिंता नहीं है। आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के थ्रू भी चर्चा नहीं है, सिर्फ चर्चा है तो प्रो रेटर मार्क को लेकर के है, जो बी पार्ट में जिस प्रकार से किया गया है। एएलपी फर्स्ट में बढ़िया किया गया था, लेकिन उसमें भी कुछ चर्चाएँ हुई थी, और हमारा जो सेकेंड है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रो रेटर मार्क जो हमारा ए पार्ट में हुआ है वो सही तरीके से हुआ है, बी पार्ट में ही गड़बड़ हुआ है। चलिए कुछ और कैंडिडेट को देखते हैं हम। तो देखिए ये हमारे कैंडिडेट हैं, 72 क्वेश्चन जब आपके वैलिड थे तो आपके 33 नंबर आ रहे थे, लेकिन प्रो रेटेड मार्क जब 100 नंबरों में हुआ तो उनके कितने नंबर बढ़े आप देख सकते हैं, 0.33 नंबर ही आप, मतलब 25 क्वेश्चन यदि आप करेंगे, रेलवे का सीधा शर्त यही है कि आप 25 क्वेश्चन करेंगे तो आपको 0.33 नंबर मिलेंगे, मतलब एक भी क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाएंगे। यदि आपको 75 के आगे 25 क्वेश्चन और दिया जाते तो आप एक भी नंबर ना ला पाते। यही प्रो रेटेड मार्क का मतलब है कि आउट ऑफ 100 में आप इतने नंबर ला सकते थे, ये एक कैलकुलेशन होता है, अब ये कैलकुलेशन बताना पड़ेगा रेलवे को। चलिए और दिखाते हैं आपको कुछ और नंबरों के। देखिए एक और हमारे कैंडिडेट हैं, इनके वैलिड क्वेश्चनों की संख्या 75 थी और रॉ मार्क इनके 49 आ रहे थे, इसका मतलब 75 क्वेश्चन में से उनके 49 नंबर आ रहे थे, और रेलवे ने प्रो रेटर मार्क के थ्रू उनको एक नंबर बढ़ाया, मतलब कि सिर्फ एक क्वेश्चन वो बंदा सही कर सकता था, जो टॉपर था अपने 49 नंबरों में से 75 में से वो 49 नंबर लाया है, और वो सिर्फ एक क्वेश्चन सही कर सकता था 100 क्वेश्चन आने पर, और उसके नॉर्मलाइज स्कोर देखिए उतने ही हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी सारे लोगों के स्टूडेंट के साथ हुई हैं, कि आपके साथ भी ऐसे हुई है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिएगा, ये आपके साथ ही नहीं सबके साथ ऐसा हुई है, क्योंकि 500 कमेंट जब आ चुके थे इसका मतलब यही है कि सबके साथ दिक्कतें हुई हैं। अब रेलवे इसका जवाब अवश्य देगा, रेलवे जवाब देता है, सबसे अच्छी बात इस बोर्ड में यही है कि अपनी सफाई में जरूर प्रस्तुत करता है, अपनी सफाई में देखते क्या करता है, आपका रिजल्ट फिर से देने का प्रयास करता है कि आपके जो मार्क हैं 75 में से 35% करेगा बी पार्ट की अगर बात करेंगे, या फिर 100 से ही करेगा। यदि 100 से करता है तो ये आपके साथ नाइंसाफी होगी, और जिन लोगों के नंबर घट गए हैं प्रो रेटर के मार्क के थ्रू नंबर घट रहे हैं तो वो गलत है। अगर आपके नॉर्मलाइजेशन के थ्रू नंबर घट रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन प्रो रेटर थ्रू के मार्क आपके बढ़ने चाहिए, ये होता है नियम, क्योंकि आप 75 क्वेश्चन में से इतने नंबर ला सकते थे तो आप 100 क्वेश्चन में से उससे ज़्यादा ही नंबर लाएंगे, कम कैसे ले आ सकते हैं नंबर। तो ये बातें हैं, चलिए और दिखाता हूँ कुछ कैंडिडेट की आपके।
अब देखिए यहाँ पर देखिए 75 क्वेश्चन में से आपके जो वैलिड क्वेश्चन थे आपके जो रॉ मार्क आ रहे थे 21 और आउट ऑफ 100 में भी 21 नंबर है। तो ये सबके साथ हुआ है, देख सकते हैं आप लोग 21 में 21 ही नंबर है, मतलब एक भी नंबर आप नहीं ला सकते। रेलवे को ऐसा लगता है कि आप एक भी नंबर नहीं ला सकते हैं। और नॉर्मलाइज स्कोर 32 आया है, तो यहाँ पर भी वो फेल है। अगर नॉर्मलाइज स्कोर बात करेंगे तो वो तो 100 में से नॉर्मलाइज किया गया है ना, तो 100 में से आपको 35 नंबर चाहिए थे और देखिए वो तो पहले ही फेल थे। अगर बात करेंगे तो 26.25 नंबर आपको चाहिए होते हैं 35% के थ्रू, रेलवे का ये रिकॉर्डिंग है। तो ये थे मैंने आपको दिखाए, चलिए एक दो के और बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए एक और कैंडिडेट है हमारे, 74 क्वेश्चन थे इनके, 33 नंबर इनके आ रहे थे और प्रो रेटा मार्क के थ्रू इनके देखो नंबर बढ़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके एक नंबर के करीब आपके बढ़े हैं। तो ऐसा सबके साथ हुआ है, 33-34 के बीच में सभी फंस गए हैं और इसके बाद बात करेंगे 35। तो ये हमें लगता है पास हो गए, नॉर्मलाइज स्कोर के थ्रू ये पास हो गए। देखिए इनको एक नंबर मिल गया तो यहाँ पर ये पास हो गए। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इनके एक्चुअल मार्क रॉ मार्क से बात करेंगे 75 से अगर बात करेंगे तो उनको 26 नंबर चाहिए थे, यहाँ से भी ये पास था, लेकिन प्रो रेटिंग मार्क के थ्रू बात करेंगे तो उनको सिर्फ एक नंबर मिला है। यहाँ से फेल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर में एक नंबर उनको मिलने के कारण वो पास हो चुके हैं। तो अब ये रेलवे को अपना जवाब देना होगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग कहिएगा आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। धन्यवाद, वीडियो समाप्त होता है यहीं से आप लोगों के लिए।